तर्रा नगर पालिका की दुर्दशा का आखिर कौन जिम्मेदार? जनपद में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले, अतर्रा नगर पालिका क्षेत्र में फिर भी सफाई व्यवस्था धड़ाम। सरकार जहां कोविड-19 को लेकर बेहद सतर्कता एवं पल पल पर नजर रखे हुए है, वहीं बांदा जनपद में कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं हाल में पूरे जनपद में कोरोना के सर्वाधिक मामले पाए जा रहे हैं, जहां सरकार दावा कर रही है जिम्मेदार साफ सफाई एवं दवा छिड़काव हर हाल में करें और उच्च अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। वहीं नगर अतर्रा पहले से ही गंदगी से त्रस्त था। आम जनता यहां व्याप्त गंदगी के अंबार की शिकायत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम सिंह व चेयरमैन से करते करते थक गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर कोरोना संक्रमण ने दर्जनों लोगों को चपेट में ले लिया। कोविड-19 के आए बजट की भी बंदर बांट कर लेने का आरोप है। चेयरमैन व पूर्व ईओ नरेंद्र कुमार मिश्र की भ्रष्टाचार को लेकर एक जांच रिपोर्ट शासन को जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर दोनों द्वारा धांधली का आरोप लगाया गया है, लेकिन कार्यवाही कब होगी ये देखना बाकी है। संक्रमण फैलता रहा और जिम्मेदार देखते रहे और जिम्मेदार नगर की पूरी सफाई दवा छिड़काव का दावा करते रहे, जिस पर मीडिया ने पड़ताल में पाया कि कस्बा अतर्रा में साफ सफाई की केवल खानापूर्ति की जा रही है, चारों ओर गंदगी विद्यमान है। वहीं अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गंदगी और बंदर बांट के खेल का लगातार सभासद विरोध कर रहे हैं। अब देखना है कि ऊंट किस ओर बैठेगा। कहाँ के सभासद हैं आप? राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 23। यू साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी पैसा जो कोविड-19 का आया, हमने सब उसको लगा दिया, सैनिटाइज करा दिया और बराबर हम सफाई करा रहे हैं, क्या कहना आपको? ना तो सफाई हो रही, ना ठीक से जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं पड़ रहा। तो ये पैसा कहाँ चला गया सब? ये घोटाला मिल के सब खा गए चेयरमैन यू मिल के। आप लोगों ने कोई इसके लिए पत्र नहीं दिया शिकायत? ये खूब दिया, कम से कम 2.5 साल से हम लोग दे भी रहे हैं, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो पा रही। क्या उम्मीद है कुछ होगा कि नहीं? उम्मीद ये है कि हम थोड़ा जहरी मिल जाए तो खा के मर जाए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं बस। क्या नाम बताया आपने? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, क्या समस्या है? समस्या यही है भाव, घर ना नहीं दिखा। कितने दिन से सफाई नहीं हो, कितने महीने हो? 5 साल हो गए नहीं, कोई सफाई नहीं हुई। अभी हाल की बताइए कितना समय? अभी तो कोई नहीं हुई, अगर 3-4 महीने से पानी जो है भीतर बह रहा है हमारे पीछे से मकानों के अंदर। क्या समस्या है? नाला के पानी आ रहा है हमारे घर में, आज भी पानी भर रहा है। तो ये आपने शिकायत नहीं करी गई? बहुत शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं। चेयरमैन का काम क्या करें? कोई सुनने वाला नहीं, उनके घर में जाना कई बार हो गया है। अच्छा तो यार चेयरमैन को लगे वहाँ भी गंदगी आसपास है यहाँ? अरे भैया थोड़ी बता तो रहे, हमारे थोड़ी घर देख आइए आप, आइए देखो इसी तरह हमारे दरवाजे में पड़ा है, हमारे दरवाजे मच्छर काटते हैं बच्चों के हमारे, क्या बताएं। हमारे इतना तो पैसा नहीं कि हम इतनी सफाई कर मकान टूरा कम बनवा लें। आपको क्या लग रहा है कोरोना इसी वजह से फैल रहा है क्या तरह में? हो सकता है गंदगी की वजह से होगा भैया, बहुत गंदगी है। क्या समस्या है आप? जी हमारी समस्या ये है, हमारे घर के पीछे नाला है, उसमें इतनी गंदगी है, गंदा पानी घर के अंदर आता है। आप थोड़ी देख लीजिए, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पूरा गंदा पानी घर के अंदर ही आता है। 10-76 में शिकायत कर चुके हैं, नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, वार्ड मेंबर शिकायत कर चुके हैं, HC भी शिकायत कर चुके हैं। क्या सब मिला? कह रहे हैं कि हो जाएगा, इसके बाद 2-3 बार अभी थोड़ा बहुत कचरा निकलवाए हैं, इसके बाद 2-3 बार साफ करवाने के बाद फिर वही स्थित हो गए, फिर वहीं कचरा उतना ही इकट्ठा हो गया। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी मलबा डलवाया उसके ना कार्रवाई की जाए, उसी से साफ करवाया जाए, नहीं शासन साफ करवाए। और पूरे नगर में सफाई की क्या व्यवस्था? यहाँ नगर में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, आप देख लीजिए कहीं की ना ही तो नाली साफ है ना ही कुछ है, आप देख सकते हैं कि कहीं भी कचरा एक भी नहीं साफ किया जा रहा है अतर्रा में, और इधर गंदगी भी व्याप्त है। तो क्या आप निर्देश दिए गए? इसके लिए पूरी तरह से गाइडलाइन जो है सब बात कर रहे हैं, उसका सबका हम लोग पालन करा रहे हैं, और कलेक्टर जोन बफर जोन घोषित हो चुका है और इसमें पूरी तरह से आवागमन बाधित कर दिया गया है, सारी दुकानें बंद हैं,
जन सामान्य की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी व्यवस्था बना दी गई है। डोर स्टेप डिलीवरी और जो पूरी तरह से वक्सील है, आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ें अगर चाहिए तो वो फ़ोन करेगा, उस नंबर को ही प्रचारित करा दिया गया है। 10 से 15 मिनट से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो गई। बाकी आप देख रहे होंगे नारायणी रोड, इधर जो पलस्तर बनाया गया है ये पूरा गौरा बाबा मंदिर तक, और इस तरफ आप कोतवाली से 50 मीटर और इधर टूवर्स बदौसा से लेकर के SBI बैंक तक, इसके बीच की जो दुकानें हैं दोनों तरफ की, इसी ये भी हॉट स्पॉट के एरिया में आती है, तो इसको भी बंद करा दिया गया। सर सफाई व्यवस्था में आप क्या कहेंगे? से रहने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, अपरिहार्य कारणों में ही घरों से निकले, इस तरह के निर्देश निरंतर दिए जा रहे हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अनाउंस भी कराया जा रहा है। कंटिन्यू सैनिटाइजेशन हो रहा है, भी कराया जा रहा है। साफ सफाई के लिए भी इधर नगर पालिका को सख्त निर्देश दिए गए हैं जीओ को कि आप इसको प्रत्येक दशा में पूरी तरह से स्वस्थ रखें और इससे किसी तरह की बीमारी का संक्रमण का प्रभाव और अधिक न बढ़ सके, इसको हम लोग पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी टीम बना करके वो स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, और उसमें सैंपलिंग का भी जो क्लोज कंटेक्ट में लोग हैं या जो उनके फैमिली के लोग हैं जिनके केसेस आप पॉजिटिव आ रहे थे उनकी सैंपलिंग लेकर के उसको हम कार्य करा रहे हैं, उसके फैलाव को नियंत्रित किया जा सके। पूरा हर कोई उपक्रम है, कोई ऐसा उपक्रम नहीं छोड़ा गया है जिसे हम लोग न कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, डेली साफ सफाई हो रही है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा है, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हर चौराहे पर कोने पे जो है गंदगी है, मैं स्वयं निरीक्षण किया हूँ कल, कहीं भी कुछ नहीं था। DM साहब स्वयं है तो देखते हैं। अभी हाल में ही आपको बता दूं, आपके नगर पालिका परिषद से आगे 100 मीटर की दूरी पर नालियां ऐसे भरी हैं जैसे उस पर जाम टाइप से चोक हो गई हैं। नालियों पर जो है स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा तो उसको हटवाया गया है। नहीं, सफाई की बात हो रही है। सफाई की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अतिक्रमण किए थे लोग, इसे नालियां जानी थी उसको खुलवाया गया। आप मौके पर चल के देख लें, आपको स्थिति पता चल जाएगी। वहाँ उसकी बालू पड़ी हुई है उनकी, और वो बाजू से ही जो हम गाड़ी जाम थी। सैनिटाइजेशन के नाम पर जो पिछले महीने पैसे आए हैं ये कहाँ पर खर्च हुए? कहाँ पैसे आए? कोई सैनिटाइजेशन के लिए पैसे नहीं आए। नहीं, नगर पालिका के पास जो पैसा आया है पिछले 6 महीने में वो कहाँ खर्च हुआ है? सैलरी में खर्च हुआ है। केवल सैलरी? जी। और कहीं नहीं खर्च? और कहीं नहीं है। जो COVID-19 से संबंधित हैं उन पर खर्च हो रहा है। COVID-19 के संबंध में कितना पैसा आया? कोई पैसा नहीं आया, कोई भी धनराशि नगर पालिका COVID-19 के संबंध में नहीं मिली। तो कहाँ से खर्च हो रहा है? नगर पालिका के पास जो अपनी स्वयं की निधि है और जो शासन से वेतन पेंशन आपके पास बचता है उससे जो है COVID-19 के लिए क्या क्या कराया गया है? सैनिटाइजेशन कराया गया, मास्क का वितरण कराया गया है पब्लिक में, और हैंड सैनिटाइजर भी पब्लिक में बांटे गए हैं, और प्रचार प्रसार किया जा रहा है।